अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे, दुआओं में याद रखें। आज बनाएंगे हम हरी मिर्चों का अचार। हरी मिर्चें मैंने ली थी 10 अदद, और इनको धो के अच्छी तरीके से मैंने इनको खुश कर लिया था, और इनको बीच में से मैंने एक चॉक कर लिया था जिसमें मैं इसका मसाला भरूंगी। ये है आमचूर, जो मतलब केरी होती है ना, उसको सुखा के जो आमचूर बनता है, साबुत था। मैंने तकरीबन इसको 30 मिनट के लिए गर्म पानी में भिगो के ये नरम कर ली थी मैंने अच्छी तरीके से। आप चाहें तो पिसी हुई भी मिलती है, पिसी हुई भी ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप लेमन भी यूज़ कर सकते हैं और इमली का पेस्ट भी, मगर इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये था आधा टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून कलौंजी, आप इसमें रायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और 8 से 10 कड़ी पत्ता। चाट मसाला तकरीबन 1 खाने का चम्मच था, और हल्दी 1/4 टीस्पून। साबुत धनिया सौंफ और 1 कप ऑयल। साबुत धनिया सौंफ और जो आमचूर था मतलब खटाई जो थी, उनको मैंने बारीक में ये तीनों चीज़ें लेके उनको बारीक में ब्लेंडर कर लूँगी, या अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको लेमन भी यूज़ कर सकते हैं और इमली भी। ये काट ली थी मैंने, ये देखे मैंने इनको बारीक पीस लिया था चॉपर में डाल के, अच्छी तरीके से बारीक कर लिया था। ये आमचूर, साबुत धनिया और सौंफ, आप चाहें तो इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं, मगर कुछ लोगों को ज़ीरे का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बस इसमें ये 3 चीज़ें डाली थी। अब मैंने इन सबको अच्छी तरीके से ये कट लगा लिया था, खुशक कर लिया था। ये जो मेरा मसाला है जो मैंने बारीक किया था, ये सब मैं इसको उसमें भर लूँगी। बहुत आसान तरकीब है, बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत टेस्टी होती है, दाल के साथ, चावल के साथ बहुत मज़े की लगती है। ये सारे मसाले मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए थे और इनको ये मैंने भर लिया था। अब मैं जो ऑयल लिया था 1 कप, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना ज़्यादा रखेंगे ये कभी ख़राब नहीं होती हैं, आप इनको 1 से 2 हफ्ते तक खा सकते हैं आराम से। ये मैंने पैन को गर्म कर लिया था ऑलरेडी पहले से ही, और इसमें मैंने ये ऑयल डाला। ये मिर्चें मैंने शामिल करी सारी, इनको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इनको रखूँगी। थोड़ी सी पहले तेज आंच करूँगी, फिर लाइट लो फ्लेम पे, फिर मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए रख के पका लूँगी अच्छी तरीके से। ये गल भी जाएंगी और इनका पानी जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो भी इसमें खुश्क हो जाएगा। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैं इनको निकाल लूँगी। आप इनको 1 से 2 हफ्ते तक भी आराम से बाहर भी रखे, इसको फ्रिज में ही नहीं, ज़रूरी नहीं है फ्रिज में, बाहर भी रख सकते हैं। बहुत ही अमी बहुत ही उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बहुत सारा ख्याल रखिए।